सो हेलो गाइज, वी आर बैक द अनदर मुकबैंग वीडियो। तो यार आज मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़ा हट की, और वो भी मार्गरेटा पिज़्ज़ा। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पिज़्ज़ा हट का मार्गरेटा पिज़्ज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में मेरे पास ये पड़े हुए हैं स्टफ़ फलाफल, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये मैं अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम ये ट्राई करने वाले, स्टफ़्ड फलाफल। ये नॉर्मल फलाफल नहीं होता, ये स्टफ़्ड फलाफल होता है। इसी तो यार इसका जो सीन है ना, ये सेम फलाफल जैसे ही होता है। फलाफल मैंने आपको पहले भी बताया कि चनों से बनता है, चिकपी से बनता है, इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। और इसमें जो स्टफिंग है ना, वो मे बी समथिंग स्पेशल ना स्पाइसेस की है। गाइस ये सॉस दही ना सॉस है। तो गाइस अब ट्राई करते हैं मार्गरेटा पिज़्ज़ा। लेट्स ट्राई। गाइस इसमें बहुत ही स्टफ्ड की हुई चीज़ है। बहुत ही बेस्ट पिज़्ज़ा है। तो गाइस कभी आपने पिज़्ज़ा को दहीना के साथ ट्राई किया? जिन लोगों ने भी ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया हुआ नीचे कमेंट करें।
यूएई में या दुबई में मोस्टली लोगों का जो फेवरेट पिज़्ज़ा होता है वो पिज़्ज़ा हट है। ये मार्गरिटा का जो सॉस है ना क्या कमाल का है यार, ये और ये चीज़ के साथ मिलके यार क्या कॉम्प्लीमेंट देता है। एसी भी ऑफ किया हुआ और फैन भी ऑफ है। मोस्टली पिज़्ज़ास का क्या होता है कि जो क्रस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन ये देखें, ये देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसी वजह से ये च्यू हो रहा है इजीली। Trust me guys when I say this, Margherita pizza is a top notch pizza. Margherita pizza ki alag hi fan base hai apni authentically. ये जो फलाफल है स्टफ फलाफल ये भी नेक्स्ट लेवल हो रहा है, बहुत टेस्टी हो रहा है, ये भी इसका क्रंचीनेस आप चेक करें। Yes guys, it is for today. I hope you enjoyed my video. Please subscribe my channel and like this video. Bye bye.